मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन अठावी। हरे मन आत्म का धर ध्यान। हे मन आत्म का धर ध्यान। तन का झूठा घर मन वारे। अपने दिल में डुबकी मारे। देखो श्री भगवान। रे मन आत्म का धर ध्यान। रे मन आत्म का धर ध्यान। पांचों की तुम प्रीति हर ले। पांचों को निज वश में कर ले। गुरु से लेके ज्ञान। रे मन आत्म का धर ध्यान। रे मन आत्म का धर ध्यान। बैठ अकेला चिंतन करिए। मन के सारे पुरने हरिए। अपना आप पहचान। रे मन आत्म का धर ध्यान। रे मन आत्म का धर ध्यान। कहते हूँ सब संसार तोड़े। निज आत्म में विरति जोड़े। पाओ पद निर्वाण। रे मन आत्म का धर ध्यान। रे मन आत्म का धर ध्यान। राग आशा भजन 28। रे मन आत्म का धर ध्यान। अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान करके उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। उसी के प्रति श्री गुरु महाराज जी इस भजन अंतरतम में ध्यान सुमरण के द्वारा ईश्वर परमात्मा का अनुभव के चक्षुओं से दिव्य दीदार प्राप्त करो। पांचों की तुम प्रीति हर ले। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पांच विषयों से मन को हटाओ। पांचों को निज वश में कर ले। पांच इंद्रियों को अपने वश में रखो। गुरु से लेके ज्ञान। गुरुदेव से ज्ञान की प्राप्ति करके पांच इंद्रियों को वश में रखो। पांच विषयों से मन हटाओ। बैठ अकेला चिंतन करिए। एकांत में बैठ के चिंतन करो। अपने स्वरूप का ध्यान करो। मन के सारे संकल्प विकल्पों का त्याग करो। अपना आप पहचान। अपने निज स्वरूप को पहचानो। निज आत्म में वृत्ति जोड़े। अपने आत्म स्वरूप में अपनी वृत्ति को लगाओ। पाओ पद निर्वाण। अपने ध्यान अपने आत्म स्वरूप के ध्यान से ही मोक्ष मुक्ति के पद की प्राप्ति होगी। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। उसे ही स्थित प्रज्ञ गीता में बताया गया। जो अपने आत्मा का ध्यान करके उसी में ही सदैव मगन रहता है। तो उस सुंदर भजन में
आत्म स्वरूप का ध्यान करने की शिक्षा गुरु महाराज जी दे रहे हैं। रापुर बाणी पढ़तु प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवन आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी
प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।